दिवाली त्यौहार को बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन एक सेलिब्रेशन धनतेरस से शुरू हो जाता है और जिसका अंत होता है भाई दूज के साथ। सबसे पहले धनतेरस मनाया जाता है, उसके बाद आती है छोटी दिवाली और फिर उसके बाद आती है बड़ी दिवाली। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और गोवर्धन के बाद है भाई दूज, जिसमें पाँचों दिनों पूरे भारत में हर तरफ उत्सव का माहौल होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का चलन होता है। इस दिन खास तौर पर सोना चांदी और पीतल खरीदना शुभ माना जाता है और आपने भी धनतेरस के मौके पर खूब खरीदारी की होगी। लेकिन क्या आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया है कि आखिर धनतेरस वाले दिन बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जी हाँ, हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तिथि पर सागर मंथन के दौरान भगवान धनतरी उत्पन्न हुए थे और कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे और उनके हाथ में एक कलश का बर्तन था, इसी के बाद से इस तिथि पर बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के दो दिन बाद माँ लक्ष्मी सागर मंथन में प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस साल 25 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है ताकि वह हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। धनतेरस की शाम को यम नाम का दिया जलाकर परिवार की सुख शांति के लिए कामना की जाती है। हालांकि इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हुए कई सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है। धनतेरस के दिन कोई भी सोने या चांदी की वस्तु या फिर बर्तन खरीदना शुभ होता है, ऐसे में आप किसी तरह के कांच के बर्तन खरीदने से बचें। इस बार धनतेरस के मौके पर किसी भी रूप में घर में लक्ष्मी बाहर न जाने दें, ऐसे में ध्यान रहे कि आपको इस दिन किसी को कोई उधार नहीं देना है। धनतेरस के दिन लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी लोहे का सामान ना खरीदे। कहते हैं कि इस दिन लोहा खरीदने पर घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। दिवाली आने से पहले ही वैसे तो सभी घरों के कोनों कोनों में सफाई हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी अगर धनतेरस के दिन घर का कोई हिस्सा गंदा रह गया है या कहीं कूड़ा कबाड़ा जमा है या फिर कोई खराब सामान पड़ा है तो इसे तुरंत बाहर कर दे, क्योंकि ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकती है। घर के मुख्य द्वार से होकर ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, इसलिए यह जगह हमेशा बहुत साफ सुथरी रहनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम को या दोपहर में सोने से घर में दरिद्रता आती है, आप दिन में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस मौके पर रात को जागरण करना बेहद शुभ माना जाता है। त्योहार का मौका है घर में खुशहाली बनाए रहे। खास तौर पर धनतेरस के दिन घर में कोई कलह नहीं होना चाहिए। अगर माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हो तो हर महिला को सम्मान दे। धनतेरस के दिन केवल कुबेर की ही पूजा ना करें, बल्कि साथ में माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी अर्चना अवश्य करें। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे साल घर के सदस्यों को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। धनतेरस का मौका है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ खरीदारी ही करनी है, बल्कि इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा परिवार की लो बनी रहती है। धनतेरस के दिन नकली मूर्तियों को पूजने की वजह सोने चांदी या मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा की अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा ओम या स्वास्तिक जैसे प्रतीक बनाने के लिए हल्दी कुमकुम का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।